नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में केरमी के पकोड़े बनाकर बताऊंगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने केरमी ले लिया है, तो इसको हमने एक दिन पहले ही ला के रख दिया था, इसलिए पीला पड़ गया है। तो पीले वाले पत्ते निकाल लेंगे और जो कड़क वाला डंठल है उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको बारीक कट कर लेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दीजिए। अब हमने ये खराब वाले पत्ते निकाल लिए हैं और इसको बारीक कट कर लेते हैं। अब हमने केरमी को कट कर लिया है, अब हम इसमें अच्छे से पानी डालकर इसको धुल लेंगे या साफ कर लेंगे या वॉश कर लेंगे। हमने ये मिर्ची, अदरक और लहसुन ले रखा है, तो इसको हम कूट कर पेस्ट बना लेते हैं। अब हम गैस जला लेते हैं और उसके ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें तेल डाल लेते हैं। हमने सरसों का तेल ले रखा है, आप रिफाइन का तेल भी डाल सकते हैं। अब हम तेल को गरम होने देते हैं और जो पकौड़े का मसाला है उसको हम तैयार कर लेते हैं, या बेटर जो भी बोलो, तो इसको हम कूट कर तैयार कर लेते हैं। अब हमने जो लहसुन, मिर्ची और अदरक कूट लिया था उसको इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे, थोड़ा ही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं और इसमें बेसन डाल दिया। और देखिए, हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रहे हैं, ये बिना पानी का ही हो जाता है। और बेसन इसमें इतना डालिए कि इसके गोले बनने लगे। आप 250 ग्राम केरमी ले रखे हैं तो 250 ग्राम बेसन भी ले लीजिए, और बेसन को उतना ही मिलाइए जितना आप खाते हो। कुछ लोग ज़्यादा बेसन खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। मैं बेसन बहुत कम खाती हूँ, इसलिए कम मिला के बना रही हूँ। अब तेल एकदम गर्म हो चुका है, इसमें हम गोले बना बना कर डाल लेंगे और गहरा ब्राउन होने तक या भूरा होने तक तल लेंगे। अब हमने तेल में सारे गोले डाल दिए हैं और इसको एक एक दो दो मिनट पर हिलाते रहेंगे और इसको पलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे, और जब गहरा भूरा हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। इसको इस तरह से हिलाकर और पलट पलट कर पका लेंगे, और जब गहरा भूरा हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। और इसको गर्मा गर्म ही सर्व करें
एकदम कुरकुरे पकोड़े बनकर तैयार है। गर्मा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए, ये हमारे केरमी के गर्मा गर्म पकौड़े बनकर एकदम तैयार है। बस इसको सर्व कीजिए।